इक्विपमेंट पर ट्रेड का चौका। और कपिल शाह भी अब हमारे साथ जुड़ चुके हैं, जो फिनलर्न एकेडमी एंड एमके ग्लोबल फाइनेंशियल सर्विसेज के टेक्निकल एनालिस्ट है। कपिल, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ ईटी नाउ स्वदेश पर जुड़ने के लिए। मार्केट पर तो हमने चर्चा कर ली, मुझे आपसे पीएसयू स्टॉक्स पर आपकी राय जाननी थी। निफ्टी पीएसयू इंडेक्स सबसे बड़ा सेक्टोरल गेनर है आज के ट्रेडिंग सेशन में। यूनियन बैंक, कैनरा बैंक, बैंक ऑफ इंडिया सभी तेजी के साथ ट्रेड करते हुए नजर आ रहे हैं। निफ्टी पीएसयू बैंक इंडेक्स पर आपकी क्या राय रहेगी और इंडिविजुअल स्टॉक्स कौन से निकल कर आ रहे हैं? बेसिकली निफ्टी तो काफी अच्छा मूव कर रहा है और आज स्पेसिफिकली निश सेक्टर वाइज देखते तो कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी स्टॉक्स में हमें काफी अच्छा मूवमेंटम देखने मिल रहा है। पीसी एंटरप्राइज जो कि पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज है, वहां पे भी एक पॉजिटिव जहां से ओपन होता है वहां से थोड़ा सा एक प्रॉफिट बुक हमें देखने मिला हुआ है, लेकिन ओवरऑल ट्रैजेक्टरी उसकी साइडवेज टू पॉजिटिव बनी हुई है। और यही एक सेक्टर है कि जो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम में कंसिस्टेंटली परफॉर्म किया हुआ है। जब भी मार्केट नर्वस हुआ है तभी इस स्टॉक ने और या फिर इंडेक्सेस ने एक साइडवेज मोमेंटम रह के रिलेटिव स्ट्रेंथ भी अपनी बरकरार रखी हुई है। तो स्टॉक स्पेसिफिक में देखने चाहूँ तो काफी अच्छे स्टॉक्स यहाँ पे कुछ एक मोमेंटम देखने मिल रहे हैं, जैसे कि एनटीपीसी स्टॉक हो जाता है कि प्राइसेस में एक अच्छी मोमेंटम देखने मिली थी। आज थोड़ा सा एक इसमें एक सेलिंग प्रेशर बड़ा हुआ है, लेकिन इसको हम बाय अपॉर्चुनिटी देखते हैं और थोड़ा सा और करेक्ट हो जाए, लेट्स से कि 343 के लेवल के यहाँ पे चल रहा है, थोड़ा सा और रिट्रेसमेंट आ जाता है 330 के लेवल के अराउंड पे, तो काफी अच्छे सपोर्ट लेवल पे मिल जाएगा और वहां पे एक बाय की अपॉर्चुनिटी बन सकती है। ठीक है, तो ये राय थी इसके ऊपर। आगे बढ़ते हैं और अब अक्षय जी के पास मैं आना चाहूँगी। कुछ अर्निंग्स रिएक्शन की बात करते हैं, उसमें सबसे पहले परसिस्टेंट सिस्टम्स की बात करेंगे। कमज़ोर नतीजे थे, गाइडेंस भी काफ़ी कमज़ोर आई है, ब्रोकरेजेस ने भी अपने टारगेट प्राइस घटाए हैं, जिसके चलते स्टॉक में करीब करीब 8 से 9% की गिरावट आज के ट्रेडिंग सेशन में दिखाई दे रही है। अक्षय जी, परसिस्टेंट सिस्टम्स पर क्या राय रहेगी और इसके अलावा आईटी सेक्टर से और कोई स्टॉक जो नज़र आ रहा है? जी, खराब नतीजों के चलते काफी बिकवाली का शिकार हुआ है परसिस्टेंट सिस्टम्स। यहाँ पे क्लियर कट एक नेगेटिव शॉर्ट टर्म का ट्रेंड है, जिस तरीके का सेलिंग प्रेशर है, क्लियर लॉन्ग लिक्विडेशन या प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल रहा है। सपोर्ट एरिया अगर आप ढूंढ रहे हो तो करीबन 3450 ये एक ट्रेडिंग सपोर्ट है, तो अभी तक बेस बना नहीं है स्टॉक में, शायद 3400-3450 के पास स्टॉक एक बार संभलने का कोशिश करेगा, तो बाय करने की मैं राय नहीं रखूंगा। जब सपोर्ट जो मैंने कहे टेस्ट हो जाए तभी एक बार रिव्यू कर लेंगे कि कुछ बाउंस बैक के इंडिकेशंस मिल रहे हैं कि नहीं। ट्रेडिंग के नजरिए से हाँ, बिल्कुल आप 3400 के आसपास प्लस माइनस 30-40 और पॉइंट्स आप एक बार एंट्री के लिए सोच सकते हैं। तो नेगेटिव व्यू है परसिस्टेंट सिस्टम्स का, थोड़ा और बिकवाली चल सकता है 50-70 पॉइंट का। और रही आईटी शेयरों की बात, तो यहाँ पे अभी भी काफी दबा हुआ है आईटी सेक्टर, कोई भी सेक्टर में कोई बड़ी तेजी के संकेत नहीं मिल पा रहे, सिर्फ एक सेक्टर है इंफोसिस, यहाँ पे आपको शायद एक अच्छा ट्रेडिंग बाउंस बैक मिल सकता है। 1400 का अच्छा सपोर्ट है, काफी ओवरसोल्ड है स्टॉक, नतीजों के बाद हल्का सा एक पॉजिटिव रुझान रहा है, तो 1450 तक एक ट्रेडिंग पुलबैक के लिए आप तैयारी कर सकते हैं इंफोसिस में। तो अगर ट्रेडिंग के माध्यम से आप देखें तो वो 1450 के ट्रेड में आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं। ठीक है, तो इंफोसिस में ही ट्रेड ले सकते हैं आप, यहां पर थोड़ा एक बाउंस बैक आ सकता है स्टॉक में, लेकिन परसिस्टेंट में एंट्री करने की कोशिश ना करें क्योंकि वहाँ करेक्शन और आ सकता है। तो ये है सलाह आईटी स्टॉक्स पर ओवरऑल आपके लिए। लेकिन चलिए अब कुछ ट्रेड के मौके भी समझ लेते हैं। अक्षय, आप पहले शेयर कीजिए अपने ट्रेडिंग आइडियाज। दोनों बाय की तरफ है, पहला है टाइटन, ऑलमोस्ट डे हाई के आसपास ट्रेड हो रहा है। आप इसका चार्ट स्ट्रक्चर देखें तो एक रेंज में सीमित है, करीबन 3500 ये बॉटम एंड ऑफ द रेंज है, जहां बार बार तीसरी बार हमने देखा है कि यहां पे डिमांड आते हुए दिख रहा है स्टॉक में अच्छे वॉल्यूम्स के साथ। तो मैं बाय रेकमेंड करूंगा टाइटन में करेंट मार्केट प्राइस पे, और इसमें आप 3762 और 3795 ये दो टारगेट एरिया बनाए विद अ स्टॉप लॉस ऑफ 3500। दूसरा ट्रेड है हिंदुस्तान यूनिलीवर, FMCG काउंटर है, एक रिवर्सल जल्दी आपको दिखेगा ये स्टॉक में, जिस तरीके का ट्रेडिंग पैरामीटर्स बनते हुआ दिख रहा है, ओवरसोल्ड है काफी स्टॉक, वॉल्यूम्स काफी बेहतरीन बढ़ रहा है सपोर्ट एरिया में, और एक 2200 का सपोर्ट बनने के बाद अभी स्टॉक एक रिवर्सल की तैयारी में है। तो 2312 और 2342 ये दो टारगेट एरिया में कर रहा हूँ HUL में शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग के माध्यम से, और ये ट्रेड में स्टॉप लॉस बनेगा 2195 का। ठीक है, तो HUL और टाइटन में खरीदारी करने की सलाह। कपिल, आपके ट्रेडिंग आइडियाज क्या होंगे?
जी यहाँ पे मैं फोकस कर रहा हूँ कंज्यूमर डिस्ट्रीब्यूशन गुड्स पे। काफी सारे स्टॉक्स में हमें मोमेंटम देखने मिली हुई है, जैसे कि वोल्टास है, हवेल्स है, क्रॉम्पटन है, आईएफबी इंडस्ट्रीज है, तो काफी स्टॉक्स में एक तरीके की हमें एक पॉजिटिव मोमेंटम बन रही है। तो यहाँ पे मेरा फर्स्ट प्रेफरेंस क्रॉम्पटन में रहेगा, क्योंकि बाकी के सारे स्टॉक काफी चल गए हैं। क्रॉम्पटन अभी लेटली रिकवर कर रहा है, तो 305 के लेवल पे चल रहा है, तो यहाँ पे एक करंट लेवल पे बाई की हिदायत रहती है। नीचे में 295 के स्टॉप लॉस रहेंगे और ऊपर में हमें 325 के टारगेट देखने मिल सकते हैं। और दूसरा मेरा फोकस फाइनेंशियल सर्विस सेक्टर पे भी रहेगा, यहाँ पे MFSL जो कि काफी अच्छा बेस बना के एक तो फिर से पॉजिटिव मोमेंटम पिछले 2 दिनों से हमें देखने मिल रही है, तो यहाँ पे भी बुलिश कंटिन्यूशन साइन हमें देखने मिलनी चाहिए। तो 1056 के लेवल पे चल रहा है, तो करंट लेवल पे बाय का व्यू बनता है, 1000 का स्टॉप लॉस रहेगा और ऊपर में इसके अपसाइड पोटेंशियल कहाँ ना कहाँ पे 1150 के देखने मिल सकते हैं। ठीक है, तो यह है सलाह इन स्टॉक्स पर, मैक्स फाइनेंशियल सर्विसेज में तेजी करने की सलाह, और इसके अलावा क्रॉम्पटन अच्छा लग रहा है, 325 के टारगेट के लिए स्टॉप लॉस होगा 295 का, ये दो स्टॉक्स में तेजी करने की सलाह। इस बीच काफ़ी सारे स्टॉक्स में एक्शन और अच्छी बाइंग नजर आ रही है। आदित्य बिरला फैशन एंड रिटेल देखिए, यहाँ पर भी अच्छी बाइंग और स्टॉक अब आ चुका है 4% ऊपर, आज के सेशन में 242 के पास कर रहा है कारोबार दिन के ऊपरी सर के पास। अक्षय जी क्या सलाह होगी आपकी, आदित्य बिरला फैशन में कोई ट्रेड लेना चाहिए या फिर अवॉइड करें? जी टेक्निकल चार्ट्स पे आप देखें तो शॉर्ट टर्म का नज़रिया पॉजिटिव है आदित्य बिरला फैशन में। 242 का करंट प्राइस है, एक रेंज में सीमित है, थोड़े 2-3 महीने के नज़रिए से देखें 200 का एक बॉटम एरिया है और 270 ये इसके ऊपर का एंड का बैंड है। जिस तरीके का प्राइस पैरामीटर बनते हुए दिख रहा है, प्रोजेक्शन बन रहा है कि अपर एंड ऑफ द बैंड जो करीबन 270 है वहां तक स्टॉक छू सकता है, तो ट्रेडिंग के माध्यम से आप ये टारगेट करें। 270 तक आप करंट रेट से बाय करके चल सकते हो आदित्य बिरला फैशन में। 235 का सपोर्ट है, उसके नीचे आपका स्टॉप लॉस और 270 का टारगेट, तो ट्रेडिंग के लिए मैं रिकमेंड करूंगा आदित्य बिरला फैशन। ठीक है, तो ये राय थी आदित्य बिरला फैशन पर। रुक करते हैं अगले सेगमेंट का, ऑप्शन के चैंपियंस। हमारे साथ 5paisa.com के रुचित जैन मौजूद हैं। रुचित जी थैंक यू सो मच समय देने के लिए, बताइए क्या रणनीति होगी आपकी तरफ से? जी वेरी गुड आफ्टरनून। तो आज रणनीति में लॉन्ग पोजीशन बनाने की है ऑप्शंस के थ्रू एचयूएल में, लेकिन ये मई सीरीज के लिए रहेगा। सो अभी तक हमने देखा है कि काफी अंडर परफॉर्मेंस स्टॉक ने पिछले कुछ महीनों में दिखाया है, लेकिन अब स्टॉक अपने सपोर्ट के आसपास टेक्निकली एक पॉजिटिव डाइवर्जेंस बना है, जहां पे प्राइस ने तो नया लो बनाया है, लेकिन लोअर लो बनाया, बट आरएसआई ने एक हायर लो बनाया है। और यूजुअली जब एक करेक्शन के बाद ऐसे डाइवर्जेंसेस चार्ट पर दिखते हैं तो एक शॉर्ट टर्म के पुलबैक मूव्स रहने की स्टॉक्स में प्रोबेबिलिटी ज्यादा रहती है। तो एचयूएल का मई का 2300 का कॉल ऑप्शन खरीदारी करने की सलाह रहेगी, जो अभी 36-37 की रेंज में है, और यहाँ पे 20 रुपए के स्टॉप लॉस रखे और 65 के टारगेट से एक्सपेक्ट कर सकते हैं। एक लो रिस्क रिवॉर्ड सेटअप है कि जहाँ पे स्टॉक ज्यादा हाई बीटा नेम नहीं है, तो मार्केट्स की वोलेटिलिटी के साथ साथ ज्यादा अपडाउन नहीं रहेंगे, सो एक पुलबैक मूव ट्रेड ये ले सकते हैं। ठीक है, तो मार्केट के उतार चढ़ाव में एचयूएल पर आप नजर रख सकते हैं, सेफ बेट हो सकता है या आपके लिए, क्योंकि ज्यादा कुछ स्विंग नहीं दिखेगा। 2300 की कॉल खरीद सकते हैं, 65 रुपए के लक्ष्य के लिए, अधिकतम मुनाफा इसमें 8550 का हो सकता है। लेकिन एक डिस्क्लेमर भी दिखा देते हैं आपको, रिस्क डिस्क्लेमर सेबी की तरफ से, अगर ऑप्शन में ट्रेड कर रहे हैं तो संभल के ट्रेड कीजिए, क्योंकि औसतन 50,000 तक का नुकसान यहाँ पर हो सकता है।